थॉट ऑफ द डे। जैसे भक्त की निष्ठा और भाव होता है, बाबा भी उसी प्रकार उनकी सहायता करते हैं। कभी कभी तो बाबा भक्त की कठिन परीक्षा लेकर ही उसे उपदेश दिया करते हैं और उनके कष्टों को दूर करते हैं। ओम साई राम। 3 साई पूजा की ओर से मैं प्रीति आप सब भक्तों को शत शत प्रणाम करती हूँ और साई पूजा चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। टीम साई पूजा आप सबके लिए लेकर आई है बाबा के परम भक्त। आज हम जानेंगे बाबा के परम भक्त श्री पंडरपुर के वकील जी के बारे में और जानेंगे कि उनके जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। भक्तों के दोष दूर कर उन्हें उचित पथ पर ला देना ही बाबा की त्रिकालज्ञता की एक छोटी सी कथा है। और एक समय एक पंडरपुर से एक वकील शिरडी आए। उन्होंने बाबा के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया तथा कुछ दक्षिणा भेंट देकर एक कोने में बैठ वार्तालाप सुनने लगे। बाबा उनकी ओर देख रहे और कहने लगे, लोग कितने धूर्त हैं जो यहाँ आकर चरणों पर गिरते हैं और दक्षिणा देते हैं, परंतु पेट पीछे निंदा करते हैं। कितने आश्चर्य की बात है ना। यह पगड़ी वकील के सिर पर ठीक बैठी और उन्हें उसे पहननी ही पड़ी। कोई भी इन शब्दों का अर्थ ना समझ सका, परंतु वकील साहब इसका गूढ़ार्थ समझ गए। फिर भी वे सिर झुकाकर ही बैठे रहे। वाड़े लौटकर वकील साहब ने काका साहब दीक्षित को बतलाया कि बाबा ने जो कुछ उदाहरण दिया था वह मेरी हो और ही लक्ष्य कर कहा गया था, वह सत्य है। वह केवल चेतावनी ही थी कि मुझे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। एक समय जब उप न्यायाधीश श्री नूलकर स्वास्थ्य लाभ के कारण के लिए पंडरपुर से शिरडी आकर ठहरे तो बार रूम में उनके संबंध में चर्चा हो रही थी। विवाद का विषय था कि जिस व्याधि से उप न्यायाधीश अस्वस्थ हैं, क्या बिना औषधि सेवन किए केवल श्री साईं बाबा की शरण में जाने से उससे छुटकारा पाना संभव है। क्या श्री नूलकर सदृश एक शिक्षित व्यक्ति को इस मार्ग का अवलंबन करना उचित है। उस समय श्री नूलकर का और साथ ही साथ श्री साईं बाबा का भी बहुत उपहास किया गया। मैंने भी इस आलोचना में हाथ बटाया श्री, परंतु यह मेरे लिए उपहास नहीं वरन एक उपकार है, जो केवल उपदेश है कि मुझे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ना ही दूसरों के कार्य में विघ्न डालना चाहिए। शिरडी और पंडरपुर में लगभग 300 मील का अंतर है। फिर भी बाबा ने अपनी सर्वज्ञता द्वारा जान लिया कि बार रूम में क्या चल रहा था। मार्ग में आने वाली नदियां, जंगल और पहाड़ उनकी सर्वज्ञता के लिए रोड़ा ना थे। वे सबके हृदय की गुण बातें जान लेते थे और उनसे कुछ छिपा ना था। समीपस्थ या दूरस्थ प्रत्येक वस्तु उनके लिए दिन के प्रकाश के समान जज्वल्यमान थी तथा उनकी सर्वव्यापकता दृष्टि से ओझल ना थी। इस घटना से वकील साहब को शिक्षा मिली कि कभी किसी का छिद्र निवेशन नहीं एवं निंदा नहीं करनी चाहिए। ओम साई राम। आज हमें पंडरपुर के वकील जी के जीवन से क्या संदेश मिला? हमें यह संदेश मिला कि श्री साई बाबा की महानता को कोई नहीं आंक सका, ना ही उनकी अद्भुत लीलाओं का अंत ही पा सका। उनकी जीवनी भी तद्न रूप ही है, क्योंकि वे पर ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए हमें बाबा से प्रेम कर दूसरों पर
प्रेम न्योछावर करना चाहिए, हमें किसी की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, तभी जाकर हम बाबा के भक्त कहलाएंगे। ओम साईं राम। कृपया साईं पूजा चैनल के साथ यूं ही जुड़े रहें, क्योंकि कल हम लेकर आएंगे बाबा के एक और परम भक्त के बारे में और जानेंगे कि उनके जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है। ओम साईं राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साईं राम। जय साईं राम।